नमस्कार, वेलकम टू मायास फूड। तो चलिए आज बनाते हैं व्रत में खाने वाले बढ़िया से टेस्टी से अप्पम और बढ़िया नारियल की चटनी। ये अप्पम इतने आसान है कि बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और इसके लिए आपको साबुदाना भी भिगोकर रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है एक बाउल में समा राइस, जिसे कि भगर भी कहते हैं, और उसका आधा बाउल यहाँ पर हम लेंगे साबुदाना। तो दोनों ही चीज़ें ना ही मैंने भिगोई है ना ही इन्हें अभी तक हमने वॉश किया है, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो साबुदाना है उसे हमें अच्छे से पीस लेना है। तो मिक्सी जार में डालकर साबुदाना, ये देखिए इस तरह से मैंने पीस लिया है, बढ़िया सा थोड़ा पाउडर फॉर्म में ये हो जाता है। अब इसे निकाल लेंगे हम एक बड़े से बाउल में। इसके बाद बारी है समा राइस की। तो सबसे पहले तो हमें इसे वॉश करना होगा। तो चलिए इसे इस तरह से वॉश कर लेते हैं और अच्छी तरह से इसे पानी से धो लेने के बाद अब हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस समा राइस को लेकर इसे भी हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। तो पहली बारी में तो मैं इसे यूं ही पीस लूँगी। तो चलिए इसे पीसते हैं यूँ, है ना। और अब हमें इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत है, लेकिन हम इसमें पानी नहीं ऐड कर रहे हैं, इसमें ऐड करना होगा हमें मठा। तो मठे की सहायता से हम इसका इस तरह का यूँ घोल तैयार करेंगे और डायरेक्टली अब इसे हम इस साबुदाने वाले मिक्सचर वाले पाउडर में डाल देते हैं। तो इसी तरह से सारे समा राइस को अब हम मठा डालकर पीस लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया सा जो बैटर है वो हमारा यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा। इसमें जैसे जैसे आपको पानी की मात्रा की ज़रूरत महसूस हो उस हिसाब से आप यहाँ पर पानी ना डालते हुए मठे का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे स्वाद काफ़ी अच्छा आता है और पचने में भी ये बहुत ही ईजी जाएगा। तो देखिए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, तो थोड़ी ड्राइनेस मुझे यहाँ पर लग रही है, तो उस हिसाब से यहाँ पर हम इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही मठा ऐड करेंगे, एकदम से नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो बढ़िया सा अब यहाँ पर हम इसका बैटर तैयार करना है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए आप किस तरह की होनी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह की बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसे ढककर रख देंगे। कब तक? तब तक कि हम इसकी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मूंगफली को रोस्ट कर लिया है, कुछ मिर्चें ले लें अपने स्वाद के हिसाब से, और फ्रेश वाला हमें नारियल लेना है, जिसका कि कवर मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी हेल्दी होता है खाने के लिए। अब इन सभी चीज़ों को पहले हम मिक्सी जार में डालकर पीस लेते हैं, और इसे भी मैंने पीसने के लिए मठे का ही इस्तेमाल किया है, जिससे कि चटनी का स्वाद बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो अब ये देखिए चटनी में हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसे हम मिक्स कर लेते हैं और बारी है तड़के की। तड़के के लिए तड़का पैन में हम ऑयल डालते हैं, इसमें जीरा डाल देंगे और लाल मिर्चों को कट करके मैंने इस तरह से इसका तड़का दे दिया है। अब इसे हम चटनी में ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पर अब मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमारी चटनी भी बनकर तैयार हो जाती है। तो अच्छी तरह से पहले अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद चलते हैं हमारे बैटर की ओर। तो ये देखिए बैटर हमारा बढ़िया तरीके से सेट हो चुका है। यदि आपको ऐसा लगे कि इसमें पानी की ज़रूरत है तो पानी के बजाय मठा ही दोबारा से आप यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पर स्वाद अनुसार थोड़ा हमें इसमें नमक ऐड करना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब यहाँ पर हमने एक तवा ले लिया है जिसपे कुछ बूंदे हम तेल की डालेंगे और उसे हम किचन टॉवल से साफ़ कर लेंगे। जस्ट हल्की सी लेयर हमें यहाँ पे ऑयल की देना होगी। ध्यान रहे कि तवे का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म भी ना हो और बिल्कुल ठंडा भी ना हो। नॉर्मल टेम्परेचर वाले तवे पर अब हम अपना बैटर डालेंगे। तो इस तरह से अप्पम का बैटर डालने के बाद इसे आप जैसी चाहें वैसे आकार में, यानी कि थोड़े छोटे अप्पम या फिर थोड़े से बड़े अप्पम, इस टाइप में हमें इसे फैलाना होगा। बड़ी आसानी से ये बैटर जो है इस तरह से फैल जाता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अप्पम आपका टूटेगा भी नहीं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इस पर तेल या फिर घी अप्लाई कर सकते हैं। इस पर हमें ज़्यादा तेल या घी डालने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। और देखिए बड़ी आसानी से हम इसे मूव कर पा रहे हैं। आप चाहें तो इसे दोनों साइड से भी अच्छे से सेक सकते हैं। तो अच्छी तरह से घुमाते हुए हमें इसे यूँ भून लेना है और इसे फोल्ड करके अब हम निकाल लेंगे। तो ये तो मेरा बन गया है पहला अप्पम। सेकंड अप्पम के लिए हम इस पर थोड़ा सा यूँ पानी छिड़क कर किचन टॉवल से पोंछ लेंगे और दोबारा से बैटर को इस पर डाल देते हैं। फटाफट से अब अप्पम तैयार कर लेते हैं। बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट आपके ढेर सारे अप्पम ना बनके तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल भी इस रेसिपी को बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही टेस्टी होती है। और व्रत हो चाहे ना हो, आप इसे डेली भी इस तरह से नाश्ते में
बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो आपने देखा उसके लिए थैंक यू।